वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस मैकेनिज्म। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि एथेरोस्क्लेरोसिस ये आर्टरीज को नैरो करती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्लेग डिवेल्प हो जाता है। प्लेग मीन्स कोई सा भी क्लॉट जो है वो डिवेल्प हो जाता है। आगे आपको बताऊँगी ये क्लॉट जो है, ये प्लेग जो है वो किस चीज़ से डिवेल्प हो सकता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज को हार्ड कर देती है और नैरो कर देती है। आर्टरीज इस डिजीज़ की वजह से सख्त हो जाती हैं और उनके अंदर जो स्पेस होती है ब्लड फ्लो की वो कम हो जाती है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको हम हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी की कोई सी भी आर्टरीज जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अब सिर्फ आर्टरीज ही क्यों अफेक्ट होती हैं ये भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। एक और डेफिनेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज की इनर साइड पे प्लेक जो है वो क्लॉट जो है वो डिवेल्प होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज की इनर साइड पे फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, यानी कोई सा भी फैट मटेरियल जो है वो पैच की फॉर्म में इनर वाल में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो प्लेक बन गया यानी क्लॉट बन गया है, जो ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करता है। ब्लड सही से आर्टरीज के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता, सर्कुलेट नहीं कर रहा होता। एक लास्ट हमारे पास और डेफिनेशन है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज को अफेक्ट करती है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन मीन्स आर्टरीज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही से ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रही होती। वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन आर्टरीज के अंदर सोजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। और थर्ड हमारे पास है कि आर्टरीज के इनर साइड पे प्लेक बन जाता है, वो लिपिड से भी बन सकता है, कैल्शियम से भी बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल से भी बन सकता है। और जो सेलुलर डिप्रेस होते हैं यानी बॉडी के वो सेल्स या ऐसे ब्लड सेल्स जो डेड हो गए हैं लेकिन वो बॉडी से रिलीज नहीं हुए हैं, तो उनकी वजह से भी आर्टरीज के अंदर प्लेक यानी क्लॉट जो है वो बन सकता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है। तो प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले, मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं। तो ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वेन्स एंड कैपिलरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज के अंदर होती है। और आर्टरीज क्या है? आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि लो इन ऑक्सीजन ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। और कैपिलरीज ये बहुत ही बारीक आर्टरीज होती हैं, यानी आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस में डिवेल्प होती हैं और कैपिलरीज बनाती हैं। अब आर्टरीज जो है वो भी तीन तरह की होती हैं, इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, मस्कुलर आर्टरीज होती हैं और आर्टीरियोल्स होती हैं। तो जो इलास्टिक आर्टरीज हैं ये हार्ट के करीब मतलब दिल के करीब जो आर्टरीज होती हैं लार्ज साइज़ की, उनको हम कहते हैं इलास्टिक आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो कि मसल्स के अंदर पाई जाती हैं, और आर्टीरियोल्स ये स्मॉल ब्रांचेस होती हैं जो कि आर्टरीज से ही निकलती हैं, और इनको हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ है ये इलास्टिक एंड मस्कुलर आर्टरीज को ज़्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर कैपिलरीज को। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिलरीज एंड वेन्स जो हैं वो इस डिजीज़ से अफेक्ट नहीं होती, ये डिजीज़ सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में होती है। तो ये हमारे पास दो डायग्राम है जिनसे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है नॉर्मल आर्टरी और ये है डिफेक्टिव आर्टरी, यानी इस आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ मौजूद है। तो नॉर्मल आर्टरी जो है तीन वाल से मिलकर बनती है, जिसकी सबसे इनर वाली वाल है टूनिका इंटिमा जो कि एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद ये इसका जो मिड वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं टूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। और सबसे आउटर इसकी जो वाल है इसको हम कहते हैं टूनिका एडवेंटिशिया, ये कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। आर्टरी के अंदर जो स्पेस होती है, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज होलो होती हैं क्योंकि उनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। तो आर्टरीज का ये होलो पोर्शन इसको हम ल्यूमिन कहते हैं, इस ल्यूमिन के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये हैं ब्लड सेल्स, यानी ब्लड फ्लो जो है इनके अंदर हो रहा होता है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ टूनिका इंटिमा में होती है, यानी जो आर्टरी की सबसे इनर वाली वाल होती है उसके अंदर ही फैट डिपोजिशन होती है, लिपिड डिपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती है, और जो सेलुलर डिप्रेस है वो भी इसी वाल के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो
तो ये हमारे पास है डिफेक्टिव आर्टरी, सबसे आउटर वाली लेयर है इसकी टूनिका एडवेंटिशिया, जैसे आपको यहाँ पे बताया। मिडल वाला इसका एरिया है टूनिका मीडिया, और सबसे इनर वाली वाल है इसको हम टूनिका इंटीमा कहते हैं। और ये हमारे पास है प्लेक डिवेल्प हो गया, यानी क्लॉट डिवेल्प हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, कैल्शियम की वजह से बन सकता है, और सेलुलर डिप्रेस की वजह से ये प्लेक बन सकता है, यानी क्लॉट बन सकता है। तो ये प्लेक टूनिका इंटीमा में बनता है, जिसकी वजह से जो ल्यूमिन है अंदर की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये क्लॉट जो है प्रोट्रूड हो जाता है ल्यूमिन के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी में ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। और अगर ये क्लॉट दिल की आर्टरीज में है तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन की आर्टरीज में है तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी में है तो किडनी में डिसफंक्शन क्रिएट हो सकता है। इस प्लेक को हम इंटीमल लेयर कहते हैं, क्योंकि ये टूनिका इंटीमल लेयर में मौजूद होता है। इसके अलावा इसको हम एथेरोमेटस प्लेक का नाम भी देते हैं। ये प्लेक जो है वो सॉफ्ट एंड येलो कलर का होता है। एक और डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। तो ये हमारे पास है नॉर्मल आर्टरी, जिसमें ब्लड जो है वो इस साइड को फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी प्लेक जो है वो डिवेल्प हो गया है, तो ब्लड जो है उसके फ्लो में रुकावट आ गई है। ब्लड सेल्स इस साइड पे ज़्यादा हो गए हैं और इस साइड पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि रुकावट आ गई है ब्लड सर्कुलेशन में। अब अगर ये प्लेक जो है वो कंटिन्यूसली काफ़ी अरसे तक मौजूद रहेगा तो इस साइड पे ब्लड क्लॉट भी डिवेल्प हो सकता है, क्योंकि ब्लड सेल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक ब्लड क्लॉट क्रिएट हो जाता है और हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का बायस भी बन सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ मोस्टली जो है वो ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी होती है, जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से भी होती है, तो बहुत से इसके काजेज हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है। और एक और फैक्टर है, अगर हम अनहेल्दी डाइट जो है वो खाते हैं, या हम अपनी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा फैटी एसिड्स वाली चीज़ें जो है इनटेक कर रहे होते हैं, ज़्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एथेरोस्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ हो सकती है। तो ये हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस मैकेनिज्म।